गाइज यू वोंट बिलीव मी बट मैं अपना गिटार ऑलमोस्ट एक साल, मतलब जो भी मैं का जो कवर आया था वो तो ऐसे ही मैंने 5-10 मिनट बैठे बैठ के ऐसे बहुत कैजुअली बजाया था, लेकिन एक साल के बाद मैं निकाल रहा हूँ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस ऑफकोर्स। तो इसको आज निकालूंगा, आई एम थिंकिंग टू ओपन इट। बहुत दिनों से अपने गिटार को नहीं देखा यार, बहुत मिस करता हूँ, तो देखूँगा। तो इससे पहले कि हम लोग आज का वीडियो शुरू करें, कंसिस्टेंसी यही सोच रहे होगे कि यार ये बंदा अभी तो बोल रहा था एक दो वीडियोस में कि 10 के 10 वीडियोस डालूंगा, तो करना, परेशान हो गए हम लोग। रुको जरा, सबर करो। ग्राउंड का कर्टन फिर से आज के वीडियो में चेंज, देख रहे हो ना, अभी प्रॉपर कर्टन आया नहीं है, 2-3 दिन के बाद प्रॉपर कर्टन तुमको वहाँ पे देखने को मिलेगा, आ जाएगा। एक सेकंड रुको, अपने वाला ज़रा चश्मा चढ़ा लेते हैं, थोड़ा फील आ जाए एटलीस्ट। तो मैं सबसे पहले तुम लोगों को बताता हूँ कि कल वीडियो क्यों नहीं आई। द मेन रीज़न वॉज, सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक बहुत बड़ी राइड एक्चुअली प्लान हो रही है। आई डोंट नो वेदर अर्नव विल बी ए पार्ट ऑफ दिस और नॉट, बट मेरी और सौरभ की तो बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है एंड वो रिवील होगा बहुत जल्द। अभी कुछ दिनों में तुम लोगों को पता चल जाएगा, 10 Days 10 Vlogs का जो ये चैलेंज है उसी में मालूम पड़ जाएगा तुमको। सो एक तो हम लोग उस बारे में बात कर रहे थे इसीलिए टाइम गया, उसके बाद क्या हुआ मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। कल हो रही थी ज़बरदस्त बारिश से क्या हुआ, इतनी ज़ोर की बिजली कड़की कि नीचे का जो ट्रांसफार्मर है वो जल गया। तो कल शाम के 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक बिल्कुल भी करंट नहीं था एरिया में, तो पूरा एरिया पावर कट हो गया। एंड मेरा लैपटॉप जो है उसमें बैटरी बैकअप, अगर मैं एडिटिंग करूँगा तो फिर एडिटिंग के लिए थोड़ा तो टाइम चाहिए भाई, समझ रहे हो ना। तो मैं वीडियो शूट करूँगा उसको फिर एडिट पर डालूँगा, एडिटिंग करते करते ही बैटरी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा ऐसा घिसा पिटा काम करना नहीं है, करेंगे तो फुल ऑन 100% एफर्ट डाल के करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वो मेरा इंटेंशन था, समझ रहे हो ना। अब हो सकेगा तो मैं थोड़ा सा क्लिप्स तुम लोगों का अटैच करके दिखाऊंगा कि कितनी ज़ोर की बारिश हो रही थी और फिर कैसे पुराने ट्रांसफार्मर को क्रेन से ला के निकाल के नया वाले को फिट किया, तो वो दिखाऊंगा तुम लोगों को। सेकेंड चीज़, अब क्या हो रहा है ये सोच रहे हो ना। आप लोगों ने स्टार्टिंग में एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैं गिटार के बारे में जो बता रहा था, तो ये बात बिल्कुल सच है, मैंने अपने गिटार को बहुत महीनों से नहीं देखा है, अब उसके कुछ पर्सनल रीजन से ऑफकोर्स। बट आज मैं अपने गिटार के लिए गिफ्ट लाया हूँ, तो गिटार को मैं एक तोहफा दे रहा हूँ अपनी तरफ से, क्योंकि जान है वो मेरी यार, तो ऑफ कोर्स। तो आज गिटार निकालेंगे और इसको, ये जो आया है इसको अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले एंड देखते हैं कि गिटार को हमारा तोहफा कबूल होता है या नहीं, ठीक है चलो। सो गाइज, मैंने फ्लिपकार्ट से गिटार के लिए प्लेक्ट्रम गार्ड ऑर्डर किया था, सो लेट्स सी कि वो जो प्रोडक्ट आया है कैसा है। तो ये जो प्रोडक्ट है वो अर्बन इन्फोटेक कंपनी है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मुझे कुछ 180 रुपये का पड़ा, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। सो गाइस, द प्रोडक्ट लुक्स लाइक दिस, ऐसा दिख रहा है, अभी तक अटैच नहीं किया है गिटार में एंड और भी आवाज़ आ रही है, कुछ है क्या अंदर, रुक जाओ। ओ, कुछ एडिशनल पिक्स भी दिए है, वाओ। तो ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था, 3 एक्स्ट्रा पिक्स भी दे दिया इसने,
मैच कर रहा है लाइटिंग के साथ। सो चलो गिटार पे लगा के दिखाता हूँ तुमको। सो मैं अभी गिटार को निकालने वाला हूँ, इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी। तो गिटार पे लगाने के बाद तुमको मिलता हूँ, ठीक है? गिटार पे लगाने के बाद तुमसे मिलता हूँ। ओ भाई साहब, ओ ओ भाई साहब, क्या बताऊँ तुम लोग। तो इसका रैप हटाया तो एकदम ग्लॉसी फिनिश में आया है, एज यू कैन सी। Two thousand years later. So guys, आज का मौसम देख लो, हमें बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही मौसम चाहिए राइड वाले दिन। ये पुराना जनरेटर रखा हुआ है, ये नया वाला जनरेटर बोलूँ, ट्रांसफार्मर सॉरी। सो ऐसा मौसम अगर रहा तब तो मतलब भाई चिल चिल्ड जाएगा राइड, मतलब एकदम सुपर जाएगा। लेकिन अगर गर्मी हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए हम लोग वेदर का वेट कर रहे हैं। सही वेदर जिस दिन होगा उस दिन जाएंगे। गाइस गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। तो देखो आज इतनी ज़्यादा धूप आ गई है, टुडे इज संडे। सो अब तो डर लगने लगा है भाई क्या होने वाला है, क्योंकि आसमान साफ हो गया, गर्मी इतनी बढ़ गई अचानक से। हमें चाहिए क्लाउडी वेदर, तो उस हिसाब से होगा। ट्यूसडे होता है या वेडनेसडे देखते हैं। सो इट्स 5:30 PM एंड बाहर खतरनाक हालत है। जस्ट लुक एट दिस, मतलब पूरा मूड ट्रांजिशन की तरह चेंज हो गया वेदर। सो गाइज ये जो 10 days 10 vlogs का चैलेंज है या फिर 10 days 10 videos का जो चैलेंज है, ये हम पक्का पूरा करेंगे। तो इसमें कोई भी डाउट मत रखना, ये हम लोग श्योर पूरा करेंगे। बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये 10 videos तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, बट अगर इस बीच में एक दिन या फिर 2 दिन की अगर दूरी हो जाती है तो फिर इसको माइंड मत करना, क्योंकि इस चीज़ को समझो कि मैं इफ़ आई एम टेकिंग सम मोर टाइम then I am preparing a better content than the previous one। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जो सो चीज़ रेडी करके YouTube पे अपलोड कर दूँ, यू नो, क्योंकि आप लोग टाइम डिवोट करके देखते हो मेरी वीडियो। सो ऑफकोर्स मैं भी चाहता हूँ कि आप अगर कुछ देख रहे हो तो फिर उसका आपको टोटल वो वैल्यू भी मिले। सो वही चीज़ है। सो अब कर्टन सही लग गए हैं एंड सेटअप तो देख रहे हो। और एक चीज़ अभी ऐड होना बाकी है, वो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी, नेक्स्ट वीडियो या फिर उसके बाद वाले वीडियो में। कल का वीडियो कन्फर्म्ड है, कल का वीडियो आ जाएगा। और बारिश आज कितनी ज़्यादा हुई वो तो देख लिया तुम लोगों ने। सो राइड हम लोगों का अभी प्लान हो रहा है ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे को। सो विश मी लक फॉर दैट, देखते हैं क्या होता है। एक्साइटेड तो मैं हूँ, बाकी कौन जाने क्या हो सकता है, यू नो। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड सपोर्ट करो इस चैनल को। एंड 10 days 10 videos को हम लोग अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में ख़त्म करेंगे, ठीक है? तो चलो मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।